हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा आर्टशाला में आपका स्वागत है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मेरी ये जर्सी बनकर तैयार है। अब हम इसकी ये डंगरी बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, डंगरी बनाने के लिए मैंने इसमें दो कलर यूज किए हैं। दूसरा कलर मैंने नीचे और सिर्फ यहाँ पैटर्न में यूज किया है। और इसकी लंबाई फ्रेंड्स मैंने बनाई है, टोटल लंबाई इसकी देखिए मैंने ये 28 इंच, इसकी मैंने टोटल लंबाई बनाई है 28 इंच। और इसकी चौड़ाई मैंने बनाई है 12.5 इंच, मेरी इसकी चौड़ाई बनी है 12.5 इंच। आइए फ्रेंड्स इसे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी पजामे बनाने के लिए मैंने इसमें ये 50 फंदे डाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक ये 25। 25 दूना 50। 50 फंदे डालने के बाद अब हम इसमें अपना बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर हम अपना एक उल्टा और एक सीधे वाला बॉर्डर ही बनाएंगे। पहला फंदा सीधा, दूसरा फंदा उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा। ये सिलाई फ्रेंड्स हम अपने पूरी ऐसे ही निकाल लेंगे। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए, ये उल्टा बनाया धागा पीछे, एक फंदा सीधा, पूरी सिलाई ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई मैंने निकाल दी है और लास्ट में मेरा उल्टा फंदा इधर आया है। अब हम इसकी उल्टी तरफ से बनाएंगे। पहला फंदा हम ये सीधा बनाएंगे, उल्टे पर सीधा और सीधे पर उल्टा, इधर से ये हमारा फंदा उल्टा बनेगा। फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से बनाते हुए फ्रेंड्स हम अपनी ये 14 सिलाइयाँ निकाल लेंगे। एक सिलाई हमने निकाल ली है, दूसरी स्टार्ट की है। इससे अलग हम 12 सिलाइयाँ और अपनी इस बॉर्डर की इसी तरह से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी पजामे बनाने के लिए इसमें हमने ये बॉर्डर अपना बना लिया है। इसमें हमने ये 14 सिलाइयाँ निकाली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक ये 14। 14 सिलाइयाँ निकालने के बाद अब हमने इसमें अपना दूसरा कलर ज्वाइन किया है। इस कलर से हम 2 सिलाइयाँ अपनी प्लेन निकाल लेंगे, एक सीधी और एक उल्टी। ये देखिए इस तरीके से हम अपनी ये पूरी सिलाई ऐसे बना लेंगे, एक सीधी और एक उल्टी। ये पहले हम अपनी ये सीधी सीधी सिलाई निकाल लेंगे। पूरी सिलाई हमने सीधी निकाल ली है। अब हम इसके उल्टी तरफ हैं, उल्टी तरफ से भी एक सिलाई पूरी हम अपनी ऐसे उल्टे वाली बनाएंगे। पूरी सिलाई इस तरीके से हम उल्टी उल्टी बनाकर इसको निकाल लेंगे। ये सिलाई हमने सारी उल्टी निकाल ली है। अब हम इसकी सीधी तरफ आ गए हैं और सीधी तरफ से अब हम 2 सिलाई अपनी इस कलर से इसी तरीके से बनाएंगे, एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी। देखिए ये सिलाई हम पूरी अपनी इस तरीके से सीधी सीधी बना देंगे, फिर एक सिलाई उल्टी बनाएंगे। ये सिलाई पूरी सीधी निकाल ली है, अब एक सिलाई हम अपनी उल्टी बनाएंगे। देखिए इस तरीके से पूरी सिलाई हम अपनी ऐसे ही बना लेंगे। ये सिलाई भी निकालने के बाद अब हम इसकी सीधी तरफ आ गए हैं। सीधी तरफ से अब हम 2 सिलाई अपनी इस कलर से निकाल लेंगे। जैसे हमने ये वाली 2 सिलाई निकाली है, ऐसे यहाँ पर भी हम अपनी ये 2 सिलाई निकाल लेंगे जैसे ये वाली निकाली थी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी 2 सिलाइयाँ और ये निकाल ली है। अब हमारी प्लेन ये 6 सिलाइयाँ निकल चुकी हैं। 2 हमने ये निकाली 2 ये और 2 ये। 6 सिलाई निकालने के बाद अब हम यहाँ पर इस कलर से अपना ऊपर का सारा बनाएंगे। इस कलर को हम यहीं पर कट कर देंगे। ये देखिए ये धागा मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। अब हम इस कलर से आगे का अपना पैटर्न बनाते हुए जाएंगे। ऐसे पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारी ये 7वीं सिलाई है, इसमें हम फंदा बढ़ाएंगे दोनों साइड। ये देखिए एक फंदा बुना और इसी में से हम पीछे की साइड से एक फंदा बढ़ा देंगे। आगे की सिलाई हम पूरी अपनी ऐसे सीधे वाली बना लेंगे पूरी सिलाई। देखिए सिलाई बना लिया मैंने और लास्ट के 2 फंदे मेरे बचे हैं। इस फंदे पर अब मैं एक फंदा बढ़ाऊंगी। देखिए इसी फंदे के पीछे की साइड से एक फंदा बढ़ा लेंगे और लास्ट का फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब हम एक सिलाई अपनी उल्टी निकालेंगे।
ये उल्टी उल्टी निकलेगी। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम ये अपना सिंपल पैटर्न बनाते हुए सीधा उल्टा एक इसी कलर से, हर जब हमारी सातवीं सिलाई आएगी तो उस सिलाई में हम इधर से भी और इधर से भी फंदा बढ़ाएंगे। एक सिलाई हम ये जिसमें फंदा बढ़ाते हैं ये, और इसके बाद पांच सिलाई और निकलेगी, एक उल्टी एक सीधी एक उल्टी एक सीधी फिर एक उल्टी। फिर हम जब सीधी सिलाई पे आएंगे सातवीं में तो हम दोनों साइड से फंदा बढ़ाएंगे। हम ये छः सिलाइयाँ अपनी यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपनी छः सिलाइयाँ यहाँ पर ये निकाल दिए हैं, एक दो तीन चार पाँच और एक ये छः। हमने जो स्टार्टिंग की पहली सिलाई थी इसमें एक फंदा यहाँ बढ़ाया था और एक फंदा यहाँ बढ़ाया था। अब हमारी ये सीधी सिलाई है सातवीं सिलाई, इसमें भी हम दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए इस फंदे में से एक बुना और इधर से एक और बढ़ा लिया इसके पीछे से, ऐसे ही हम लास्ट में करेंगे। इसी तरीके से हम छः सिलाइयाँ बनाने के बाद जो सातवीं सिलाई आएगी उसमें हम अपना दोनों तरफ से फंदा बनाते हुए इसकी हम लंबाई पूरी करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपनी पजामी की लंबाई बना ली है। इसकी लंबाई बनाने के लिए मैंने यहाँ से जहाँ से हमने ब्लू कलर स्टार्ट किया था यहाँ से इसके ऊपर हमने ये 64 सिलाइयाँ निकाली हैं, एक सीधी एक उल्टी। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें हमने स्टार्टिंग में बॉर्डर के लिए 14 सिलाई निकाली है, एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए। उसके बाद हमने दो सिलाई निकाली येलो कलर से, फिर दो सिलाई निकाली ब्लू कलर से, इसके बाद दो सिलाई निकाली येलो कलर से, इसके बाद आप ऊपर हमने सारा ब्लू कलर से बनाते हुए 64 सिलाई निकाली हैं। हमारी इसमें 32 सिलाई सीधी निकली है और 32 सिलाई उल्टी निकली है, और इसमें हमने हर छठी सिलाई के बाद फंदा बढ़ाया है। जब हमारी सीधी सिलाई सातवीं आई तो हमने एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ाया है। ऐसे ही फंदे बढ़ाते हुए ऊपर मेरे 72 फंदे इसमें हो गए हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स अब हम इसमें आसन बनाएंगे। आसन के लिए तीन फंदे हम इधर बढ़ाएंगे और तीन फंदे अपने इधर बढ़ाएंगे। हम धागे को देखिए ऐसे लेंगे और जो हमारा ये अंगूठे की साइड वाला है इसे हम ऐसे सिलाई पर डाल लेंगे, एक दो और एक ये तीन। देखिए इस तरीके से हमने ये तीन फंदे इधर बढ़ा लिए हैं और तीन फंदे ही हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। अब इन तीन फंदों को हम ऐसे ही सीधा बनाएंगे। हमारी ये सीधी सिलाई है, देखिए इधर से पहला फंदा भी सीधा ही बुनेंगे, दूसरा फंदा भी सीधा, और ये हमारा तीसरा फंदा भी हम सीधा ही बना देंगे इस तरीके से। आगे की पूरी सिलाई हम अपनी ऐसे सीधे वाली ही बनाएंगे। आसन में हम ये तीन तीन फंदे दोनों साइड में बढ़ाएंगे और ये सिलाई पूरी निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये सिलाई मैंने पूरी निकाल ली है। अब हम इधर की साइड भी अपने तीन फंदे बढ़ा लेंगे इस तरीके से, देखिए एक दो और एक ये तीन, तीन फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब हम इस सिलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे। इन फंदों को हम थोड़ा आराम से बनाएंगे नहीं तो हमारे ये निकल जाएंगे, एक दो और एक ये तीन। अब पूरी सिलाई आगे हम अपनी ऐसे उल्टे वाली बनाएंगे। ये सिलाई देखिए मैंने अपनी निकाल ली है। अब हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड से अब हम इसके ऊपर अपना ऐसे सीधा ही बनाते हुए जाएंगे। आसन की लंबाई हम अपनी ये पूरी कर लेंगे, एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बनाते हुए हम अपनी ये आसन की लंबाई बना लेते हैं जितनी हमने ये लंबाई बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपनी पजामे में आसन की लंबाई पूरी बना ली है। इसकी लंबाई बनाने के लिए हमने इसमें 50 सिलाइयाँ मैंने इसमें निकाली हैं, एक सीधी और एक उल्टी, 25 सिलाइयाँ सीधी और 25 सिलाइयाँ उल्टी निकालते हुए हमने इसमें 50 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। देखिए फ्रेंड्स आसन की लंबाई बनाने के बाद अब हम इसी तरीके से अपना एक पीस और बनाएंगे। दोनों पीस बनाकर उसके बाद हम इनको ज्वाइन करेंगे। एक पीस और हम अपना बिल्कुल सेम ऐसे ही बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपना दूसरा पीस भी बना लिया है। दोनों पीस हमने बिल्कुल सेम बनाए हैं। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे ऊपर से बेल्ट बनाने के लिए। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए जो हम एक पीस लेंगे,
एक पीस में ऊपर हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे जो हमने ये नीचे बनाया है, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टे वाला। पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे, आगे धागा करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से हम अपने सारे ये फंदे बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई हमने अपनी बना ली है और लास्ट में इसमें मेरा उल्टा फंदा आया है। अब हम धागा पीछे करेंगे, अपना दूसरा पीस लेंगे, दूसरे पीस का भी हम इसमें ऐसे ही बॉर्डर बनाएंगे। पहला फंदा इधर मेरा उल्टा आया है तो इधर मैं सीधा बनाऊंगी इस तरीके से, और आगे धागा करके एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। अब हम इस धागे को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे, थोड़ा सा लंबा काटते हुए जो हमारा दूसरे पीस में गोला है उसमें से थोड़ा सा धागा लंबा काटेंगे सिलाई के लिए, और इस गोले को यहाँ पर हम कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमने ये गोला काट दिया है। अब हम आगे इसमें अपना बॉर्डर बनाएंगे, पूरी सिलाई में पीछे वाला सीधा फंदा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। इसी तरीके से हम ये सिलाई भी अपनी निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई भी मैंने अपनी बना ली है और लास्ट में मेरे इधर उल्टा फंदा आया इसमें। अब हम दूसरी तरफ से भी अपना ऐसे ही बॉर्डर बनाएंगे, जो हमें सीधा फंदा दिखाई देगा उस पर सीधा और जो उल्टा दिखाई देगा उस पर उल्टा। पहला फंदा सीधा, दूसरा फंदा उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। इसी तरीके से हम अपनी ये सिलाई भी निकाल लेंगे और ऐसे ही बनाते हुए हम यहाँ पर अपनी 8 सिलाइयाँ फ्रेंड्स निकालेंगे। एक मैंने निकाल दी है, दूसरी स्टार्ट की है, इससे अलग हम 6 सिलाइयाँ और अपनी ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी बेल्ट के लिए जो 8 सिलाइयाँ निकालनी थी, एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा, उसकी हमने निकाल ली है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। 8 सिलाइयाँ निकालने के बाद अब हम इसमें अपना आगे का जो हमने पीस बनाना है वो वाला बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इधर से फ्रेंड्स 13 फंदे यहाँ से बंद करेंगे। देखिए हम ऐसे एक फंदा, पहला फंदा ऐसे उतारेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, 13 फंदे यहाँ पर हम इस तरीके से बंद कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये 13। ये देखिए हमने 13 फंदे अपने यहाँ पर बंद कर दिए हैं। अब इससे आगे हम 10 फंदे अपने पट्टी के बुनेंगे, यहाँ से जैसे हमारा पैटर्न है उसी तरीके से। देखिए एक एक फंदा है, आगे हमारा सीधा फंदा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे, फंदा सीधा बुन लिया हमने ये। अब हम ऐसे ही 8 फंदे और सीधे बना लेंगे, 10 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। 1 2 3 4 5, 5 2 10, 10 फंदे हमने ये सीधे बना लिए। अब हम आगे अपनी घटाई करेंगे, 32 फंदों की आगे हम घटाई कर देंगे, 32 फंदे आगे से हम घटाएंगे। 10 फंदों को यहीं पर छोड़ के एक फंदा बुना, फिर 2 फंदे बुने, और जो हमने पहला फंदा बुना वो उसके ऊपर से हम ऐसे उतार देंगे। देखिए एक फंदा हमने ये बुना सीधा, एक फंदा और बुनेंगे और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। ऐसे ही घटाते हुए हम ये 32 फंदे यहाँ पर हम बंद करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने ये 32 फंदे यहाँ पर बंद कर दिए हैं, 32 फंदे मैंने यहाँ से ये बंद किए हैं। अब इससे आगे हम 46 फंदे अपने सीधे बुन लेंगे। एक मेरा सिलाई में है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे ही बनाते हुए हम 46 फंदे बुन लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने ये 46 फंदे बुन लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। 23 दूना 46। 46 फंदे हमने ये बुनने के बाद अब हम यहाँ पर आगे अब इसी तरीके से, जैसे देखिए हमने यहाँ पर ये 32 फंदे बंद किए हैं, ऐसे ही हम यहाँ पर भी 32 फंदे बंद करेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरा फंदा भी सीधा बुनेंगे, और पहला फंदा जो हमने बुना है इसे इसके ऊपर से उतार देंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर भी अपने ये 32 फंदे बंद करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैंने अपने ये 32 फंदे बंद कर दिए हैं। अब हम जैसे हमने देखे यहाँ पर ये 10 फंदे बुने थे ये वाले, अब हम यहाँ पर भी 10 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 ये 10। हमने ये दोनों पीस अपने आपस में जोड़े थे, उसके बाद हमने बेल्ट बनाई, फिर हमने आगे का ये पैटर्न बना रहे हैं। अब देखिए इधर मेरे 13 फंदे बचे हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर 13 फंदे बंद किए थे, ऐसे ही हम इधर भी 13 फंदे बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 1 ये 13 फंदे हैं। एक फंदा बुनेंगे इसमें से, दूसरा फंदा बुनेंगे और पहले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। ऐसे ही हम ये आगे के फंदे बंद करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 13 फंदे भी अपने बंद कर दिए हैं। लास्ट का फंदा बचा है और मैंने धागा कट कर लिया है। धागा थोड़ा लंबा लिया है, हमें सिलाई में काम आएगा ये। अब इस एक फंदे के अंदर से इस धागे को निकालते हुए इस फंदे को भी हम यहाँ पर बंद करेंगे। देखिए इस तरीके से अब हमने अपने ये पार्ट बना लिए हैं। अब जो हमारे ये 10 फंदे हैं, इन फंदों को हम एक सेफ्टी पिन लेंगे और इसमें उतार देंगे। एक एक फंदा करते हुए हम अपने ये इसमें उतार लेंगे, इधर वाले भी और इधर वाले भी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे मैंने सेफ्टी पिन में उतार दिए हैं। अब हम इसे आगे वाला पार्ट बनाएंगे। अब हमने जैसे ये फंदे घटाए हैं, जो हमारे ये 46 फंदे हैं, इन फंदों को हम बनाएंगे। यहाँ से धागा लेंगे और यहाँ पर हम इस फंदे को ज्वाइन करेंगे। धागे को देखिए इस तरीके से, देखिए धागा ज्वाइन करने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब हम यहाँ से 5 फंदे पट्टी के बनाएंगे, 3 4, और जो हमारा ये धागा है इस धागे को हम ऐसे पीछे कर देंगे, 3 4 और 1 ये 5। इसको हम उल्टी सिलाई जब आएगी, जब इस धागे को दबाएंगे, 1 2 3 4 5 आगे धागा करेंगे। अब हम अपने देखिए पूरे फंदे इस तरीके से इस धागे को दबाएंगे और उल्टे उल्टे बनाते हुए ये निकाल लेंगे। इधर से 5 फंदे फिर हम अपने पट्टी के बनाएंगे साइड में। देखिए इस तरीके से हम ये फंदे बना लेते हैं उल्टे उल्टे। ये देखिए ये फंदे मैंने उल्टे बना लिए और अब हम धागा पीछे करेंगे। लास्ट के 5 फंदे फिर हम यहाँ पर ऐसे सीधे बना लेंगे। दोनों साइड हमने 5 फंदे इधर सीधे बनाए और 5 फंदे हम इधर सीधे बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब जो हमारे ये वाले फंदे हैं, इन्हें भी मैं सेफ्टी पिन में उतार लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट हमने अपना बना लिया है। 10 फंदे मैंने इधर रखे हैं, 10 इधर, और 46 फंदे मेरे बीच में हैं। हमने ये ऐसे बनाया है, नीचे से हमने फंदे डालकर पहले बॉर्डर बनाया, फिर हमने अपनी इसकी लेंथ बनाई है, फिर दोबारा हमने इसका आसन बनाया है। आसन बनाने तक हमारे ये 78 फंदे इधर थे, 78 फंदे हमारे इधर थे। हमने 3-3 फंदे दोनों साइड यहाँ पर आसन में बढ़ाए थे। नीचे से हमारे 32 फंदे हुए थे। अब हमने ऊपर वाला जो ये पार्ट बनाया, उसके बाद हमने 8 सिलाइयाँ निकाल ली अपनी बॉर्डर की, और फिर हमने पहले 13 फंदों की घटाई की, फिर 10 फंदे रखे, फिर 32 फंदों की घटाई की, फिर 46 फंदे हमने बुने, फिर 32 फंदों की घटाई की, फिर 10 फंदे रखे, फिर 13 फंदे घटा दिए। इस तरीके से हमने अपना ये पार्ट बनाया है। ये फ्रेंड्स, अब हम इसकी सीधी सिलाई पर आ गए हैं। सीधी सिलाई में हम जो हमारे ये 5 फंदे हैं, इन्हें हम सीधा ही बनाएंगे। पट्टी वाले फंदों को हम दोनों साइड से सीधा सीधा बनाएंगे, उल्टी साइड में भी और सीधी साइड में भी, इधर से भी और इधर से भी। जब उल्टी सिलाई बनाएंगे फिर हम इनको सीधा बनाएंगे।
ये सिलाई हम अपनी पूरी सीधी निकाल लेंगे। इसी तरीके से बनाते हुए हम अपनी ये 8 सिलाइयाँ बना लेंगे। दो हमारी बन चुकी है, तीसरी स्टार्ट की है। इसके साथ हम 6 सिलाइयाँ और अपनी ऐसे ही बनाएंगे और पट्टी के फंदे हम ये सीधे सीधे रखेंगे दोनों साइड से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी ये 8 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। 4 रो यहाँ पर हमारी बन गई हैं, 1, 2, 3, 4। ये पट्टी के फंदे हमने दोनों साइड से सीधे सीधे बनाए हैं, इधर भी और इधर भी। अब हम इसमें अपना पैटर्न बनाएंगे आगे का। अब हम इसमें आगे पहले अपने ये पट्टी के फंदे बना लेंगे, 2, 3, 4 और एक ये 5। 5 फंदे पट्टी के बनाने के बाद अब हम 10 फंदे अपने सीधे बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक ये 10। देखिए हमने 5 फंदे पट्टी के बनाए, फिर 10 फंदे और सीधे बनाए। अब हम इसमें अपना दूसरा कलर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। जो हम नीचे वाला जो कलर लगाया वही कलर लेंगे हम इसमें भी। देखिए यहाँ से कलर ज्वाइन करते हुए अब हम इस कलर से 6 फंदे सीधे बना देंगे जो कलर हमने ज्वाइन किया है। एक, दो और ये वाला हम साथ में लेते हुए चलेंगे, 3, 4, 5 और एक ये 6। 6 फंदे बनाए। 6 के बाद अब हम 4 फंदे इस कलर से बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। फिर दोबारा से हम 6 फंदे इस कलर से बनाएंगे, 3, 4, 5, 6। अब आगे के फंदे हम सारे अपने इस वाले कलर से बना देंगे। जैसे हमने इधर बनाए हैं अब हम इधर भी अपने सारे फंदे इस कलर से बनाएंगे। ये देखिए ये फंदे बना लिए हैं। अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं और उल्टी साइड से अब हम इधर से पहले अपने पट्टी के फंदे बनाएंगे। एक, सीधे ही बनाएंगे हम ये पट्टी के फंदे, 5। आगे धागा करेंगे, इधर से हम 9 फंदे अब अपने उल्टे बना लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक ये 9। 9 फंदे बनाने के बाद अब एक इस फंदे को हम यहाँ से अपना जो हमने कलर लगाया है इस कलर का बनाएंगे और 6 फंदों में से 3 फंदे और हम अपने इसी कलर से बना देंगे। देखिए धागे को हम दबाएंगे, 3 और 1 ये 4। 4 फंदे हमने इस कलर के बनाए। अब हम जो हमारे 3 फंदे बचे हैं 3 फंदों को हम दूसरे कलर का बना देंगे। देखिए ऐसे अब हम आगे धागा करते हुए जाएंगे और बीच के जो 4 फंदे हैं इन्हें भी हम अपना इसी कलर से बना देंगे। ठीक, इस तरीके से अब आगे से हम 3 फंदे और अपने इसी कलर से बनाएंगे। देखिए हमारे यहाँ पर ये 10 फंदे बन गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 फंदे हमारे इस कलर के बन गए हैं। अब हम दोबारा से 3 फंदे अपने ये वाले बनाएंगे। देखिए 2, 3, 1 फंदा और आगे से हम अपना इसी कलर का बना लेंगे। अब आगे वाले फंदे हम अपने इस कलर से बनाएंगे, 9 फंदे अपने इस कलर के और लास्ट के पट्टी के फंदे हम सीधे बनाएंगे। देखिए ये बुन लिए, अब पट्टी के फंदे सीधे बनाएंगे, ये बना लेते हैं।